आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। और साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के। और बता दें आपको, ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन पेपर ये आया हुआ है लास्ट ईयर में, पिछले सालों में, वही हम लोग करने वाले हैं। और टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन कम्प्लीट करेंगे इस सेशन में। आपको जो है साथियों, टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बस बनी रहेगा सेशन में, आइए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा जो है आपका सही है। देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें कि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि आखिर दत्तकार होता क्या है फाइनली, है ना। तो दत्तकार देखिए, हम लोग किसे कहते हैं, दत्तकार आपका होता है होमवर्क, ठीक है। जो होमवर्क स्कूल कॉलेज में, स्कूल वगैरह में दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दत्तवर्क होमवर्क कहते हैं। तो इसमें कहा गया कि दत्तकार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है, सीटेट की जो भी लैंग्वेज है ना, वो आपको समझ में आती है कि लैंग्वेज किस तरीके से सीटेट अपने क्वेश्चंस को रखता है, तरीके को आप जानेंगे। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर। देखिए, हम आपको बता दें, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है इस, ये और ट्रिक्स क्या है, तमाम सारे क्वेश्चन जो आपके तरीके होते हैं, वो सभी को लेकर हम ये क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट करने वाले हैं। बस आप लोग बस बने रहिएगा सेशन में, और आप एंड में देखेंगे कि हमें जो है बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहा गया है कि दत्तकार अभिभावकों, भाइयों या बहनों के द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जाता है। मतलब कह रहा है कि जो है इसमें जो आपको होमवर्क मिलता है, आप उसमें अभिभावक भाई बहन के द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार इसको आप करेंगे, होमवर्क को करेंगे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है ना भाई, आपको जितना जो जैसे आता है वो वैसे आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। प्रतिदिन विविधता, आप गलत करिए करिए, सही करिए, आप अपने हिसाब से करिए। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। देखिए, आपको बता दें साथियों, सीटेट ने ये कहा है, सीटेट का जो आपका सिलेबस है उसमें ये कहा गया है कि होमवर्क बच्चे को पहली बात तो नहीं दिया जाएगा, दत्तकार बच्चे को नहीं दिया जाता है, ठीक है। और इसमें यही कहा गया कि दत्तकार देने की आवश्यकता है, तो कोई आवश्यकता नहीं होती है, समझिएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दत्तकार आकलन का एकमात्र तरीका है, हमने आपसे कहा था कहीं भी एकमात्र केवल आ जाए वहाँ वो क्वेश्चन गलत होता है, निगेटिव पॉइंट है ना। यही कुछ तरीके होते हैं कि एकमात्र तरीका है, एकमात्र क्यों तरीका है, अनेक तरीके होते हैं, तो ये भी आपका गलत है। दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, कहीं पर भी बच्चे को अवसर प्रदान अगर किया जा रहा है तो उससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। और एक चीज़ में और कही गई है कि सूचना खोजने, जहाँ पे भी बच्चा खोजेगा, अपनी तरफ से चीज़ों को करेगा, अपने विचारों का निर्माण करेगा, वही होता है आपका वर्क जो है, वही आपका वर्क कहलाता है, वही आपका दत्त कार्य जो है वही कहलाता है। कि बच्चा के जो आखिर होमवर्क जो भी चीज़ें दी जाती हैं तो क्यों दी जाती हैं, ताकि बच्चा अपने हिसाब से चीज़ों को खोजे, ढूंढे, सर्च करे। अगर उसको नहीं मिल रहा है तो उसको खोजे, तो वो आपका क्या है? फिर उसको जो है उसका निर्माण करके उसका राइट आंसर लिखे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से बच्चा सीखेगा, समझ रहे हैं। बाई चांस उसने भाई या बहन से पूछ लिया तो उसको फिर वो चीज़ नहीं आएगी, जब चीज़ें वो बच्चा खुद से प्रयास करेगा तो वो चीज़ चार चीज़ें और भी सीखेगा, और वही आपका राइट आंसर होता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, अगला है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो किसके लिए सरल प्रयोग किए जा सकते हैं? कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु, बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। कभी भी हम लोग बच्चों को नियंत्रित नहीं करेंगे, बच्चों को एकदम खुली छूट देते हैं क्लास में, ठीक है। तो इस वजह से ये हम कंट्रोल नहीं करेंगे भाई, कंट्रोल करके रखना होता तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे, गलत हो जाएगा। बच्चों को दूसरा है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तो ये तो अभी हम मुझे सही लग रहा है, ठीक है, हम और भी ऑप्शन पढ़ेंगे। उच्च हो सकता है, इससे भी अच्छे से अच्छा आंसर मिल जाए, है ना।
उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, तो उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई बच्चों के द्वारा। अब इसको समझिएगा, बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो हम आपको बताते हैं, देखिए वैसे हमने आपसे ये एक चीज़ और कही थी कि जो भी आपका बड़ा ऑप्शन होता है वो आपका सही होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें ये बात कही गई है कि बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने, जो अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए क्या कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। और बी में कहा गया है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने व अवलोकन को पैना करने के लिए। तो देखिए इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सही ये भी है और सही ये भी है, बट इसमें जो आपको बेस्ट ऑप्शन है इसमें ये कहा गया है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने। जब बच्चा खुद से चीज़ों को सीख जाएगा तो उससे बेस्ट हो ही क्या सकता है। बच्चे को हम लोगों को एक टीचर का क्या रोल होता है कि बच्चा खुद से चीज़ों को सोचे समझे और उस आंसर तक पहुँचे। तो बेस्ट ऑप्शन आपका बी पे जाएगा। इसमें क्या, इसमें कहा बच्चों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, कि मतलब जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है उस पर आधारित चर्चा करेगा क्या टीचर? नहीं ना, बच्चे को हमें स्वयं सीखने के योग्य बनाना है और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए जो है सरल प्रयोग, मतलब सरल सरल चीज़ों को प्रयोग और उनका निर्देशन किया जाता है एक क्लास में, है ना। बेस्ट ऑप्शन आपका बी ही जाएगा। अगला है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले, उपले का मतलब कंडे, गोबर का जो कंडा होता है ना, आप लोग कुछ लोग समझ रहे होंगे, तो जो उपला होता है मतलब कंडा होता है, का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है, ठीक है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए दुर्गा नाम की एक लड़की है, गांव में रहती है, वह लकड़ी व गोबर के उपले से एक चूल्हा, चूल्हे में वो खाना पकाती है, लकड़ी और जो कंडा है उपले उसको लगा के खाना पकाती है। और बात की जाए पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है ना, तो आखिर क्या कारण हो सकता है, आखिर क्यों खांसी आ रही है, इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो इसका रीज़न क्या ये हो सकता है क्या कि उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण का वृद्धावस्था तथा वृद्धावस्था हो सकता है कि वह बहुत वृद्ध हो, है ना, जो दुर्गा है वो काफ़ी वृद्ध हो और उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर जो है काफ़ी प्रदूषण फैल गया हो, मतलब धुएं का, क्या ये रीज़न हो सकता है? और भी हम पढ़ेंगे ऑप्शन। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई है, इस वजह से उसे 3 महीने से खांसी आ रही है, या फिर जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं है जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है उसकी वजह से खांसी आ रही है, या फिर जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है इस वजह से उसे खांसी आ रही है। तो देखिए आपको बताते चले इसमें जो है सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर आपका सबसे सही तरीका ये होगा कि जो आपका जलता हुआ ईंधन है ना, जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं, कोई भी ईंधन अगर आपका जल रहा है तो उसमें से जो धुआं निकलता है, काला धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, जो हम लोगों की श्वास नली होती है वह उसमें जम जाता है, ठीक है, वह उसमें जमने लगता है धीरे धीरे, जिससे क्या होता है फिर खांसी आने लगती है, समझ रहे। तो आंसर आपका जो है साथियों सी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। भ्रमण के दौरान बच्चे से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? मान लीजिए आप एक टीचर हैं, ठीक, आप टीचर हैं और कक्षा 5 के आप टीचर हैं, क्लास 5 के एक टीचर हैं, और आपको बच्चों को भ्रमण पर ले जाना है, ठीक है। अब आपको ये बताने कि भ्रमण के दौरान जो है बच्चे से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, कि बच्चे जो भ्रमण के दौरान बच्चे से आप क्या एक उम्मीद करेंगे कि बच्चे कैसे खेलेंगे या कैसे चीज़ों को इंजॉय करेंगे या क्या नहीं करेंगे। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना, अपने मन से नहीं बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं उनकी सहायता से आपको बताना कि क्या आपको लगता है। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, मतलब चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे जो है बच्चे सभी चीज़ों का अवलोकन करें,
क्या ये हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बच्चे शांत कैसे बैठ सकते हैं बिना कोई प्रश्न किए, कैसे शांत बैठ सकते हैं, है ना? ये तो गलत लग रहा है बिल्कुल। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, बच्चों को आनंद उठाना चाहिए, तो ये तो सही लग रहा है फिलहाल। और भी हम देखेंगे, इससे भी अच्छा क्वेश्चन मिल जाए और अच्छा आंसर मिल जाए। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और देखते हैं, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, अभिभावकों से कि भाई क्यों पूछेंगे, अभिभावकों से पूछने का बात वो तो बाद का मैटर है। उन्हें दर्ज करके अभिभावकों से पूछेंगे। टीचर ले जा रहा है भ्रमण पे, अब वो पूछेंगे जाके अभिभावकों से, तो फिर टीचर का रोल ही क्या है यहाँ पे, गलत हो गया ना। उन्हें आनंद उठाना चाहिए। देखिए, आनंद तो उठाना ही चाहिए, लेकिन ये कोई आपका बेस्ट तरीका, बेस्ट ऑप्शन नहीं, बेस्ट ऑप्शन का आंसर नहीं हुआ। ऑप्शन आपका बेस्ट ये है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको फिर से दिखा दें। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए किसे, बच्चों को, और टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए। टिप्पणियाँ दर्ज का मतलब हो गया जो बच्चे को सही लग रहा है कि अच्छा मैंने ये चीज़ देखी, ये ऐसे कैसे होता है, कैसे होता है, वो चीज़ वो अपनी कॉपी पे लिखे, टिप्पणियाँ दर्ज करे और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ में अवलोकनों को बांटना चाहिए। मतलब कि हम वहाँ पे गए तो हमने ऐसा देखा, वैसा किया, एक तो ऐसे क्या होता है जब ये चीज़ कन्वर्सेशन होती है उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका सी है। चलिए अगला है कि रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग करती है। ठीक है, रानी है अपने जो घर का कूड़ा है वो दो उसके दो ढेरियां बना लेती है। एक ढेरी में उसने क्या रखा, केले के छिलके रख दिए, सब्जियों के छिलके रख दिए और सूखी पत्तियां रख दी। एक में उसने जेम्स की बोतल रखी, सॉस की बोतल रखी और उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब रख दी और प्लास्टिक के उसने खिलौने वगैरह रख दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है, तो किस आधार पर अलग किया है? आखिर दो ढेरी बनाने की क्या ज़रूरत है, उसने एक ही ढेरी का यूज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, या फिर ये आपको ये कह रहा है कि ये दुर्गंध है और इसमें दुर्गंध रहित है इस वजह से उसने अलग अलग कर दिया, या फिर इसने कहा कि अपघटित होने वाले हैं और ये वाले आपके जो है अपघटित नहीं होने वाले हैं, या फिर उसने क्या किया कि पुनः चक्रण किया जा सकता है इन चीज़ों का और इनका पुनः चक्रण रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है इनका, या फिर ये चीज़ कहा गया कि ये चीज़ घरेलू कचरा है और इसमें कहा गया कि ये आपका औद्योगिक कचरा है, मतलब इंडस्ट्रियल कचरा है, तो इस वजह से इस आधार पर उसने अलग अलग किया है क्या? अब आपको बताना है। देखिए, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए, ये वाले जो हैं, देखिए कोई भी छिलका हो, जैसे केले का छिलका हो गया, सब्जियों का छिलका हो गया, सूखी पत्तियां हो गई, तो इनको जो है अपघटित ये होने वाले हैं। ठीक, इनको हम लोग अपघटित कर सकते हैं, आप कुछ दिनों तक इनको ज़मीन में गाड़ दीजिएगा, ये अपघटित हो जाएंगे। और ये इनको आप ज़मीन में ज़रा गाड़ दीजिएगा, बोतल हो गई है, टूथपेस्ट ट्यूब, इनको आप ज़रा महीने दो महीने के लिए गाड़ दीजिएगा, प्लास्टिक ये सारी चीज़ों को, तो फिर से आप देखेंगे वैसे कि वैसे ही निकल आएंगे, ये अपघटित नहीं होती हैं, समझिएगा। ठीक है, तो इस वजह से उस रीना ने क्या किया कि इन दोनों चीज़ों को अलग अलग थैले में ढेरी में रखा है, समझ गए। चलिए अगला है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद में, दोपहर में जो भोजन का अवकाश लंच टाइम होता है स्कूल में, उसके बाद में क्या हुआ कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बताइएगा। मतलब कि क्या हुआ कि पर्यावरण अध्ययन कराते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, पढ़ना ही नहीं चाह रहे बच्चे, तो आप क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, अगर आपके सामने हो, आप टीचर हैं, तो बच्चे से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, गलत हो गया। आप क्या कहेंगे कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ये तो बिल्कुल हो ही सकता है। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, नहीं, अगर हम टॉपिक को ही, प्रकरण का मतलब हो गया टॉपिक, अगर हम टॉपिक को ही चेंज कर देंगे तो बच्चा फिर उस टॉपिक को सीखेगा कैसे, तो ये तो एक कोई तरीका नहीं हुआ ना, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमको थोड़ा बी वाला भी सही लग रहा है, बट हम और भी पढ़ेंगे, हो सकता है इससे भी बेस्ट मिल जाए।
बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। अगर बच्चे को हमेशा फिर खिलाते ही रहेंगे तो बच्चे आदी हो जाएंगे, वो पढ़ना भी चाहेंगे तो उनका मन नहीं लगेगा कि अरे हम पढ़ेंगे नहीं तो टीचर हमको बाहर खेल खिलवाएंगे, तो ये भी गलत है। तो बेस्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी है, बी से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ये चीज़ कही गई है कि पाठ को रोचक बनाएंगे। भाई अगर बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उस पाठ को हम लोग रोचक तरीके से पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे? बहुआयामी बुद्धि पर आधारित हम लोग उसको दृश्य का मतलब दिखाएंगे और सुनाएंगे वाली सामग्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम उस चीज़ को दिखाएंगे, कोई भी टॉपिक अगर जो भी चल रहा है, कार, ब्रश, स्टैंड, यातायात वाले ऑप्शन टॉपिक चल रहा है तो यातायात वाली चीज़ें हम ले जाएंगे, है ना, कार ले जाएंगे, ट्रक, बस और जो छोटे छोटे आर्टिकल्स में आते हैं उनको हम ले जाएंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो हम उनको सुनाएंगे, तो उस वजह से बच्चे फिर थोड़ा अट्रैक्ट होंगे टॉपिक को लेके और फिर उनका पढ़ने में मन लगेगा। तो ये चीज़ आपकी बेस्ट है, ऑप्शन बी। चलिए अगला, ये पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? बताइए, आप एक टीचर हैं, ठीक है, आप जो है एक योजना बना रहे हैं कि बच्चों को हम चिड़ियाघर घुमाने ले जाएंगे, जू ले जाएंगे, तो आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि मतलब एक्टिविटी करने की अनुमति नहीं देंगे? आप पहले क्लास में कह देंगे कि हम आप लोगों को चिड़ियाघर घुमाने ले जाएंगे, लेकिन आप ये चीज़ नहीं करेंगे वहाँ जाके बच्चों से कहेंगे, तो आखिर वो कौन सी चीज़ है, वह कौन सी चीज़ है बताइएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, आप क्या कहेंगे कि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं या पता लगाना, तो यह तो हम कहेंगे कि हाँ ठीक है पता लगाना, तो ठीक ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप किसी की अनुमति नहीं दे रहे हैं तो वह चीज़ आपकी निगेटिव होगी, निगेटिव ही हो तो होगी, आप मना करेंगे तो बिल्कुल वह सर निगेटिव होगी। चलिए फिर, तो इसमें से और आपका जो है अच्छे से अच्छा ऑप्शंस क्या हो जाएगा, तो इसमें कहा गया है अगला है, इसमें कहा गया कि चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करेंगे, तो ये भी सही चीज़ है भाई, फ़ोटो एकत्रित कर लो। चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है। और चीज़ आप क्या कहेंगे, और जो है आप ये कह सकते हैं चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। चलिए ठीक है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, बस यही तो आपका गलत है भाई। वहाँ पे अनुमति नहीं होती है कि आप चिड़ियाघर में कुछ भी किसी भी जानवर को दे दें, क्योंकि आपको इतना जानकारी नहीं होती ना कि क्या चीज़ किसी जानवर के लिए क्या चीज़ हो सकता है, वही एक चीज़ किसी जानवर के लिए बहुत अच्छी साबित हो जाए और वही एक चीज़ जानवर के लिए जो है हानिकारक सिद्ध हो जाए, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, है ना। तो इस वजह से क्या है, आपको जानवरों के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं ले जाना है। ठीक है, बाकी वो चीज़ अलग है कि केला हाथी खाता है आप दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट मना किया जाता है कि आप कुछ भी मत दीजिए। चलिए अगला है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। देखिए एक टॉपिक है आपका बीज अंकुरण की अवधारणा, ठीक है, इस टॉपिक को आप एक टीचर हैं तो आप बेहतर तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को? अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखा के क्या आप अच्छे से समझा सकते हैं? ठीक है, ये तो सही है, और भी देख लेते हैं। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अनुकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ये भी सही लग रहा है भाई, और भी देख लेते हैं। बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। अब ऑप्शन तो एक ही सही होगा ना, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों के निष्पादित करने के लिए कहना, मतलब बच्चे करें, जब बच्चे खुद से करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों को वो ज़्यादा सीखेंगे, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ये जितने भी ऑप्शन हैं इनका सभी का निचोड़ इसमें दिया है, बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं। देखिए जिस भी ऑप्शन में बच्चे एक्टिविटी करते हैं, बच्चे एक्टिव होते हैं, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए अगला है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं, मतलब कि छोटी मतलब कम साल की हैं, मतलब कुछ कम एज की हैं ना। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है। मीरा को क्या पसंद है? समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, कटलेट बहुत अच्छा लगता है, डबल रोटी बहुत अच्छी लगती है। जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है,
मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? देखिए, मीरा को क्या पसंद है ये चीज़ बता दी गई है, और दिव्या क्या चीज़ पसंद कर रही है ये भी बता दिया गया है। अब ये इन खानों से कौन सी बीमारी हो सकती है वो चीज़ आपको बताइए। स्कर्वी होगी क्या? समोसे कट्टे डबल रोटी खाने से स्कर्वी होगी। और देखिए दिव्या क्या कर रही है, दिव्या क्या कर रही है, वो ऐसा भोजन कर रही है जिसमें लौह तत्व मतलब आयरन की कमी है, तो आयरन की कमी से क्या एनीमिया होता है? तो ठीक होता है। अब आपको बताना है क्या एनीमिया जो है समोसे कटलेट और डबल रोटी से होता है, या फिर आपको लौह तत्व की कमी है तो आपको रतौंधी हो जाएगी, या फिर मोटापा आपका राइट होगा, या एनीमिया होगा, या मोटापा होगा, या फिर स्कर्वी होगा। तो देखिए इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो भी बच्चे हैं ये फास्ट फूड खाते हैं, समोसे कटलेट डबल रोटी खाते हैं, उनको एक तो मोटापा हो जाता है, मोटापा हो गया, और जो दूसरी लड़की है दिव्या उसको लौह तत्व की कमी है मतलब कि आयरन की कमी है ना, तो आयरन की कमी से एनेमिया नामक रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। जो आपका नींबू होता है, जो घरों में हम लोग नींबू निचोड़ के पानी में डाल के पीते हैं, उससे कह रहा है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है। आप नींबू को लाइएगा, पानी में डालिएगा, तो साधारण अगर पानी है तो डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में वह तैरता रहता है। अगर पानी हल्का सा खारा है, नमकीन है, तो क्या होगा कि नींबू वो डूबेगा नहीं, नींबू तैरता रहेगा। क्यों तैरता रहेगा? नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, या फिर नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या फिर साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या फिर नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। अब इसमें एक वर्ड का यूज हो रहा है घनत्व, जिसे हम लोग डेंसिटी कहते हैं। अगर आपको घनत्व पता है तो आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही कर ले जाएंगे। सारा का सारा खेल घनत्व डेंसिटी पर ही है, और इसी की वजह से जो है नाव है पानी में तैरती रहती है, और एक कील जो है पानी में डूब जाती है। सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी का ही रोल होता है वहाँ पे। तो बताइएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा नमकीन पानी का जो घनत्व है वह साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नमकीन पानी का घनत्व है वह साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है इस वजह से। चलिए अगला है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि क्यों किए जा सकते हैं? जो आपका पका हुआ चावल है ना, जो आपका राइस बन चुका है, उसको हम लोग फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर का मतलब हो गया फ्रिज, रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। देखिए आप जो पका हुआ चावल है अगर आप उसको बाहर रखेंगे तो वह जल्दी ख़राब हो जाएगा, बट आप उसी के चावल को अगर फ्रिज में लगा देंगे तो वो अधिक समय तक चलता रहता है, ख़राब नहीं होता, मतलब कि आप उसको फिर से बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे? इसमें कहा गया कि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। क्या रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं वो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना, नष्ट तो करते नहीं हैं, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। हाँ ये चीज़ सही है। देखिए जो भी उसमें रोगाणु होते हैं वह रहते बने रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं, बट ये उनके कार्य करने की जो क्षमता है वह थोड़ा कम हो जाती है। अगर वो थोड़ा ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी चल रहे हैं तो जल्दी जल्दी ना चल के वो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, है ना, इस वजह से जो है वो जो भोजन है वो अधिक समय तक चल जाता है। और अगला कहा गया कि रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, तो नष्ट नहीं होते हैं। अगला कहा कि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका जो बी है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला कि रक्त की जांच के द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है, बताइए। रक्त की जाँच के द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की जाँच होती है? मलेरिया नामक कोई एक रोग होता है, ठीक है, वह किसी को हो गया तो आप रक्त की जांच करेंगे, उसी के द्वारा पता चलेगा कि मलेरिया नामक रोग है कि नहीं है। तो किसकी उपस्थित होगी ब्लड में, जो कि आप जान जाएंगे? लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी या फिर प्लाज्मोडियम की वजह से, या फिर रक्त में क्षतिग्रसित यकृत की कोशिकाओं से, या फिर रक्त में मच्छर के लार्वे से, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से।
तो देखिए इसमें आपका बेस्ट जो ऑप्शन होगा वह होगा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, ठीक है, मतलब प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन आपका जो ए है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना तो यह क्या कहलाता है। तो देखिए आपको बता दें, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या कहलाता है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, या फिर पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, या फिर स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, या फिर बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो देखिए इसमें जो आपसे पूछा क्या गया है, इसमें यह कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना तो क्या है, मतलब कविता और कहानी का यूज क्यों होता है एक बुक में, आखिर वो चीज़ क्या चीज़ दर्शाती है। तो देखिए वो आपको दर्शाती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, ठीक है। और मोस्टली वैसे हमने आपसे कहा था ना, मोस्टली क्वेश्चन आपके जो भी आपका ऑप्शन सबसे बड़ा होता है वही करेक्ट होता है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ हुआ। बट ये चीज़ देखी जाती है क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है पॉजिटिव में है, अगर पॉजिटिव में क्वेश्चन है तो वो भी आपको उसी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि बिल्कुल ऑप्शन आपका सी हो सही हो जाएगा। अगला कहा गया कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला, आखिर जो चिपको आंदोलन आपका चला है वह किसके नेतृत्व में इसको बल मिला है, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी के वजह से, या फिर अमृता देवी बिश्नोई की वजह से, या फिर मेधा पाटकर की वजह से, या फिर ए के बनर्जी की वजह से। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। विटामिन्स, विटामिन्स का क्या रोल है बताइएगा, कि क्या विटामिन्स जो है हमारे उपापचय दर बढ़ाकर भार में मतलब हमारे वेट में कमी लाते हैं, या फिर स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं विटामिन्स, या फिर पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं विटामिन्स, या फिर हीनतान्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं विटामिन्स। तो देखिए जो विटामिन्स हैं इनका कार्य होता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही हो जाएगा। इसमें कहा गया कि जो हीनतान्य जन्य रोग हैं, ठीक, इनसे बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होता है विटामिन्स, ठीक है। आप सभी को पता है विटामिन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है, ये सब हमारे विटामिन्स हैं, ठीक है। ऐसा एक विटामिन कौन सा है जिस जो हमें धूप से मिलता है, तो वो आपका विटामिन्स डी है, ठीक, विटामिन डी है जो हमें धूप से मिल जाता है। चलिए फिर और देख लेते हैं और आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, 75 हो गया। 76 आपका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें तो क्यों लीपा जाता है बताइए, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें साथियों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ियों की दीवारों और फर्श को लीपा जाता था तो क्यों ऐसा किया जाता था, क्या फिर कीड़ों को दूर रखने के लिए किया जाता सकता था, या फिर चिकना और साफ बनाने के लिए ऐसा किया जाता था, या फिर खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए ऐसा किया जाता था, या फिर फर्श को प्राकृतिक रंग से रंगने के लिए मतलब कि उसको अच्छा बनाने के लिए किया जाता था। तो इसमें देखिए आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर आपका जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपको इसमें राइट आंसर जो है ये इसमें इसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबरों से झोपड़ी और फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता था ताकि वह साफ और चिकना रहे, तथा कीड़े मकोड़े भी दिखाई
पढ़ें, इसमें लिखा है ना दिखाई ना पढ़ें। तो इसमें जो ऑप्शन आपका साथी है ना, कि ऑप्शन आपका ए राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो कहा गया है, ये बी ऑप्शन राइट ना हो के ऑप्शन आपका ए राइट होगा। कीड़ों को दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता था, ठीक है, कीड़ों को दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता जाता था, और उसके साथ ही साथ जो फ़ायदा होता था उससे क्या होता था, वह चिकनी दीवारें होती थी और साफ़ भी बनी रहती थी। तो जो मेन काम होता था तो कीड़ों मकोड़ों को दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता था। ऑप्शन आपका ए राइट जाएगा। अगला है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। कोई एक किसान है, ठीक है, वो एक दाना है, मान लीजिए दाना आपका उसका धान का दाना है, ठीक है, या फिर गेहूं का दाना है, उससे भूसे को अलग करना चाहता है, भूसा हटाना चाहता है उससे, ठीक है। जिस प्रक्रिया को यह किया जाता है वह क्या कहलाएगी, आखिर उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, बीज से भूसे को हटाना उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हस्तचयन कहेंगे या फिर थ्रेसिंग कहेंगे या फिर निष्पावन कहेंगे या फिर फसल की कटाई कहेंगे। तो देखिए फसल की कटाई तो अलग होती है भाई जी, मान लीजिए पेड़ है, ये आपका पेड़ है, इसमें यहाँ पे दाना लगा, तो फसल की कटाई तो यहाँ से होगी ना, तो उससे भूसा थोड़ी ना अलग हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। हस्तचयन का भी यूज़ नहीं होता है, हाथ से चयन का यूज़ नहीं होता और निष्पावन भी नहीं होता है। तो आंसर आपका जाएगा थ्रेसिंग, थ्रेसिंग के माध्यम से भूसा हो बनता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का जो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये चीज़ देखिएगा कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का, ठीक है, आपने कोई आपने जो बुक्स पढ़ी होंगी पर्यावरण अध्ययन जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा बीच बीच में पहेलियाँ आ जाती हैं, है ना, आप पढ़ रहे हैं तो लास्ट में जो कुछ पहेलियाँ दी होती हैं, आखिर उन पहेलियों का यूज करने का क्या मतलब है, आखिर क्यों दी होती हैं, क्या सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करने के लिए, या फिर बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति को विकसित करने के लिए ऐसा किया जाता है, या फिर बच्चों में तर्कड़ा शक्ति का विकास करने के लिए, या फिर बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो भ्रम बच्चों को हम लोग भ्रमित तो कर ही नहीं सकते ना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया आपका। तो आप इसमें से बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करने के लिए क्या हम पहेलियों को डालते हैं, या फिर बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति को विकास करने के लिए करते हैं ऐसा, बताएं, या फिर अच्छा इसमें देखिए एक चीज़ आप समझिएगा, कहा गया कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है, मतलब कि आपका जो आंसर होगा वह निगेटिव वाला होगा, और हमने अभी जैसा कि बताया कि भ्रमित करना बच्चे को के मस्तिष्क को भ्रमित करना, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा भाई, बच्चे को हम लोग भ्रमित नहीं कर सकते, आपसे निगेटिव पूछा है, निगेटिव ऑप्शन पूछा है और यही निगेटिव है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, तो शिक्षक को कैसा लाभ पहुंचाता है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा चल रही है, बच्चे को व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, तो कैसा लाभ पहुंचाता है, उसकी ऊर्जा बनाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, तो क्या उनकी ऊर्जा बचाने में उनकी मदद करता है शिक्षक की, तो ऐसा तो है नहीं। बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चे के अंदर जो विशिष्ट अनुभव हैं उनको जानने में जो है शिक्षक को लाभ पहुंचाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, चलिए ठीक है मान लेते हैं, बट हम और भी पढ़ेंगे, बच्चों को विमर्श के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने के लिए, तो देखिए आपका जो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही लग रहा है, अनुभव जो है वो संसार से जोड़ने के लिए, ठीक है, बच्चों के जो विचार विमर्श हैं उनको संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, तो कहीं ना कहीं इससे बेस्ट ऑप्शन तो ये वाला है, डी वाला है ना, तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा।
देखिए आपको बता दें, दो ऑप्शन तो आप जल्दी से इलिमिनेट कर देंगे, काट देंगे, बट जो दो ऑप्शन रहते हैं ना, उसी में ही जो है मोस्टली दिक्कत होती कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और उस तरीके को अगर आपने जान लिया तो फिर आप सही कर ले जाएंगे। चलिए तो फिर आपका नेक्स्ट क्या, कौन सा राइट आंसर आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा सही है। नेक्स्ट है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा। शिक्षक को एक क्या करेगा, बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित, एक टीचर है, आप टीचर हैं, आपको विभिन्न प्रकार के ईंधनों से बच्चे को परिचित कराना है, बच्चे को मतलब बताना है, तो आप क्या करेंगे। क्या एक लघु फिल्म दिखाएंगे बच्चे को, दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है एक टीचर। तो कहीं ना कहीं ये भी सही लग रहा है, अभी तो है ना सही लग रहा है, बट हम और भी पढ़ेंगे। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, तो देखिए सही ये भी है भाई, लेकिन लेकिन जो है एक लघु फिल्म दिखाना, बच्चा एक फिल्म देखेगा तो फिल्म के माध्यम से चीज़ों को समझेगा, और फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चे के साथ चर्चा भी कर सकता है। देखिए जहाँ पे चर्चा की जाएगी, डिस्कशन होगा, वो भी आपका बिल्कुल सही होगा। बच्चा एक फिल्म के माध्यम से अपनी आँखों से चीज़ें देख रहा है ना, तो वो भी आपका बहुत बेस्ट आंसर होता है। बच्चे के विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, आपने मान लीजिए तमाम प्रकार की सूची बना दी, कक्षा के कुछ नमूने, ईंधनों के नमूने दिखा देना, कुछ नमूने दिखा देना। तो देखिए इसमें बेस्ट ऑप्शन पे हम जाएंगे, बेस्ट ऑप्शन आपका ए ही है। इसमें देखिए पहले लघु फिल्म दिखा दी, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पे बच्चा क्या करेगा, चर्चा करेगा कि हाँ देखिए मैंने मूवी में ये देखा था, ये इसने ऐसे किया था, उसने वैसे किया था। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ हम लोग मूवी या जिस जो चीज़ हमारे आँखों के सामने होती ना, जो चीज़ हमारे आँखों से बच्चा खुद देखता है, वह चीज़ कहीं ना कहीं उसके माइंड में अधिक समय तक छप जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, तो कौन सी चीज़ शामिल है। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है, क्या शामिल है, स्थान शामिल है, दूरी दिशाओं की सापेक्ष स्थित को समझने की योग्यता शामिल है, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता तो नहीं। आप एक मैप देख रहे हैं, आप मान लीजिए ये प्यारा अपना इंडिया है, आप इस इंडिया का प्यारा मैप देख रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, स्थान पता होने चाहिए कि यहाँ पे यूपी है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, तो स्थान पता होना चाहिए ना, बिल्कुल पता होना चाहिए। आपको दूरी भी लगभग पता होनी चाहिए, यहाँ से इतनी दूरी ये है, यहाँ से इतनी दूरी ये है, यहाँ पर ये दूरी है तो ये दूरी है, ऐसे ऐसे ये दूरी भी पता होनी चाहिए, दिशाएँ भी पता होनी चाहिए, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता ये चीज़ नहीं। ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, आपको उपयोग नहीं करना, आपको वहाँ स्थिर, आपको वहाँ स्केल और प्रकार का यूज करना नहीं है, तो ये भी गलत है। अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल तो नहीं। आपका जो बेस्ट ऑप्शन है, मैप का यूज हो रहा है, तो आपको बस दो से तीन चीज़ पता ही होनी चाहिए कि स्थान दूरी और दिशा हमें पता ही होनी चाहिए। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो गया है ना। अगला कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। कोई पाचन क्रिया है, ठीक है, तो वह पाचन क्रिया जो होती है साथियों, वह क्या होती है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है। क्यों, देखिए अगर कोई खाना है वो अगर आप बाहर ऐसे रख देंगे तो पाचन क्रिया उसकी कम होगी, वह पचेगा नहीं, वह सड़ जाएगा, बट अगर पेट में वह खाना चला गया तो वह कितनी जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, आपको पता ही है ना। तो आखिर ये जो अधिक तेज़ी से होता है क्यों होता है, आखिर इसका पीछे क्या रीज़न है, आखिर हमारे पेट में हमारे अंदर ऐसा क्या होता है जो खाना बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। क्या आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है, क्या इस वजह से होता है। क्या फिर पाचन रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर जो चीज़ अम्लीय है वो अम्लीय रहेगी, जो क्षारीय है वह क्षारीय ही रहेगी, ये गलत है। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है,
या फिर पाचक रस का आमाशय के बाहर रहते हैं, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आमाशय के अंदर क्या होता है, भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या होता है बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। बेस्ट ऑप्शन आपका ए है। अगला कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। देखिए आपको बता दें, आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको एक टिकट दिखाया गया है। ये टिकट कौन सा है, ये बस वाला टिकट नहीं है, ये रेलवे स्टेशन पे जो टिकट मिलता है ट्रेन वाला, ये वो टिकट है मान लीजिए, ठीक है, रेलवे टिकट है, ठीक है, इसका नमूना दिखाया गया है तो एक बच्चा उससे क्या सीखेगा टिकट के माध्यम से। तो उसमें भी आपको 2 से 3 पॉइंट आने चाहिए, जैसे मैप में हमने बताया। देखिए बच्चे को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देती है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है एक टिकट, समझिएगा क्या यह सही है। बच्चे को रेल के किराए के बारे में बताता है, अगर आप किराया कहाँ कहाँ तक का पता कर पाएंगे भाई, इतने ऑल ओवर इंडिया में जो है इतने ज़्यादा स्टेशंस हैं, आप किराया जान के कि यहाँ का इतना है, वहाँ का इतना है, इतने यहाँ का इतना, आप उससे क्या कर लेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। टिकट में प्रयुक्त तो विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, या फिर निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ये टिकट के माध्यम से देखिए बच्चे को अंदर क्या जान सकता है आपको बता दें। तो देखिए ऑप्शन आपका ए राइट है, बच्चे को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, मतलब कि वास्तविक का मतलब रियल जानकारी देता है कि हाँ या ये टिकट यहाँ पे ट्रेन नंबर पड़ा हुआ है, ये ट्रेन का नाम पड़ा हुआ है, कितने बजे से चलेगी, ये कौन सी सीट है आपकी, है ना, तो कितने बजे पहुंचाएगी, कौन सा आपका रेल आपका कौन सा कोच है, तो ये आपके जो रियल जानकारी है वो एक टिकट बताता है ना। और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, जो चीज़ आपने देखी उसी की आपने जो टाइमिंग देखी कि हाँ इतने बजे ट्रेन चलेगी, उतने बजे चली है, उतने बजे पहुंचाई है, इस डेट को चलेगी, उस डेट को पहुंचाएगी, तो आपने उस चीज़ का कुशलता से उस बच्चे का विकास करता है, तो ये चीज़ आपके एकदम करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, बताइएगा कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए अब उद्देश्य नहीं है, कभी भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो ये चीज़ निगेट लास्ट में ज़रूर पड़ेगा कि कहीं नहीं तो नहीं दिया है, यहीं से क्या होता है मोस्टली क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं पर्यावरण अध्ययन करने का उद्देश्य नहीं है, आपने नहीं फिर भूल ही गए, जब आप ऑप्शन पढ़ने लगे तो आपने इसको भूल ही दिया कि नहीं भी कहीं लिखा हुआ है, हमको निगेटिव वाला ही राइट करना है। जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने और मूल्यों का आत्मसात करना, इसमें तो हमें कुछ निगेटिव भी तो दिख नहीं रहा है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी सही लग रहा है, मतलब पॉजिटिव है ये तो, ये भी पॉजिटिव लग रहा है, ये भी लग रहा है। बच्चे को खोजने की क्रियाओं में लगाना, सही बात है, तो व्यवहारिक क्रियाएं करवाना बहुत ही अच्छी बात है। संज्ञानात्मक और मन चालक कौशलों में विकास में सहायक होती हैं, ये भी सही है लग रहा है ना। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये देखिए बोझ डालना मतलब शब्दावली रटने के लिए कहना, परिभाषा दे देना उसको रटना, और बच्चा क्या करेगा उसको रटते रटते उसको एक बोझ लगेगा कि यार ये सब क्या है, हम कितना पढ़ें कितना रटें, है ना, एक बोझ डालना है आपका नेगेटिव वर्ड है पहली बात तो। तो ऑप्शन आपका डी ही सही हो जाएगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा था। अगला है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला, जिसे हम लोग बगुले को इंग्लिश में इग्रेट कहते हैं ना, बगुला पक्षी जो है, एक बगुला पक्षी होता है बैठा दिखाई देता है, मतलब भैंस की पीठ पर आपने मोस्टली देखा होगा कि जैसे कि भैंस है, ठीक है, तो भैंस जो है भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला बैठा होता आपको दिखता है, और आखिर क्यों दिखता हुआ बैठा हुआ बगुला क्यों बैठता है इसकी पीठ पर, आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, क्योंकि बगुला घास में पाए जाने वाले कीट खाता है इस वजह से भैंस के ऊपर बैठ जाता है, क्या भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, क्या बगुला जो है भैंस की पीठ पर बैठकर और गाना गाता है, या फिर उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है उसकी पीठ पर, उसकी पीठ ही मिलती है उसको आराम करने के लिए बगले को,
या फिर भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, तो बताइए। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, परजीवी कीट खाता है बगुला। क्यों आखिर उसकी पीठ पे बैठता है भैंस की पीठ पे, क्योंकि भैंस की पीठ पे जो भी परजीवी कीट होते हैं हम लोग को नहीं दिखाई पड़ते हैं, वह कीट बगुला खाता है, ठीक है, इस वजह से जो है उस पर उसकी पीठ पे बैठता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ता है, ये तो सही लग रहा है अभी फिलहाल, बच्चे को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, क्या ये सही है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, फिर वही तकनीकी टेक्निकल शब्द आ गए, बच्चे को थोड़ा क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है टेक्निकल शब्द, तकनीकी शब्द। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चे को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, मतलब टीचर अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चे को सूचना देगा कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो ये भी गलत है ना। तो बेस्ट ऑप्शन आपका ए ही है, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बाहरी दुनिया का मतलब क्या होगा, इन्वायरमेंट, जो बाहरी इन्वायरमेंट है ना उससे जोड़ता है, बच्चे को बताता है कि हाँ रियल लाइफ में क्या है और बाहरी दुनिया में क्या चीज़ें हैं, क्या सही हैं, वही आपका बेस्ट ऑप्शन है। अगला है क्वथन दिया, आपका क्वथन दिया है कि उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है, क्या अंतर है, मतलब क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर है, तो आखिर क्या अंतर है। क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है, या फिर क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में ऐसा नहीं है, या फिर वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं है, या फिर क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं है, तो बताइएगा। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं, ठीक है। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन में बच्चे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है परंतु जो क्वथन है यह केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो सकता है, ये चीज़ आपकी फिक्स है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी एकदम फिक्स है, तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, एक कोई पुरुष है जिसका रक्त जो ब्लड ग्रुप है वह ओ है, और एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। एक पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, एक फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप ए है, इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की कितनी संभावना है, इन दोनों से जो भी बच्चा हुआ तो कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो बच्चा रहेगा उसमें ब्लड ग्रुप ओ ही होगा, ठीक है, ये मेल है ये फीमेल है, तो आखिर कितने परसेंटेज पॉसिबिलिटी होती है कि मेल वाला ही ग्रुप बच्चे में आएगा। तो देखिए इसकी पॉसिबिलिटी 50-50 होती है, ठीक है, कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता है, 50-50 चांस है कि बच्चे में ओ भी हो सकता है या फिर हो सकता है ए भी हो जाए, ए भी हो सकता है, तो ये जो तरीका है ये आपका 50-50 ही होता है, क्लियर हम लोग नहीं कह सकते हैं। अगला है कि टूटता तारा, टूटता हुआ जो तारा होता है उसको हम लोग उल्का कहते हैं, ठीक है, उल्का पिंड आपने सुना होगा, उल्का कहते हैं, टूटते हुए तारे को हम लोग उल्का कहते हैं, आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा टूटते हुए तारे से जो मांगो वह पूरा होता है, है ना, तो उसको हम लोग उल्का कहते हैं। आखिर वह क्या है, एक समान गति से चलने वाला तारा है, या फिर एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या एक तारा है जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या फिर उत्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो देखिए जो आपका टूटता हुआ तारा होता है ये एक उत्काब है, ठीक है, यह एक उत्काब है जो पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है तो वह आग पकड़ लेता है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है वो आकलन में क्या शामिल होना चाहिए,
छोटे बच्चे, देखिए प्राथमिक स्तर है मतलब प्राइमरी लेवल, छोटे बच्चे को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य देना चाहिए। हमने कहा, हमने अभी आपको बिल्कुल बताया था, गृह कार्य तो हम देते ही नहीं हैं, रियल लाइफ में देते हैं, बट सीटेट के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो आप इस पर सही कर देंगे, है ना। सीटेट ने साफ, जो आपका सीटेट का जो सिलेबस का पैटर्न है, साफ साफ कहा गया कि हम लोग होमवर्क नहीं देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। शिक्षक के द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, ठीक है, तो अभी सही लग रहा है। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज कराना। देखिए परीक्षाएं जो होती हैं वो नहीं ली जाती हैं, किसी भी बच्चे का हम पेपर नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमने जैसा कि आपको बताया पेपर नहीं लेते हैं, ना ही कोई कंपटीशन, या फिर ये भी नहीं करते हैं कि बच्चे को फर्स्ट रैंक लाने हैं उसके लिए वो मेहनत करे, ये भी नहीं होता है, ठीक है, गलत है सारे पॉइंट्स आपके, नेगेटिव में आते हैं। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, ये भी नहीं होता है। देखिए रियल लाइफ में कहीं ना कहीं चीज़ें अलग हैं भाई, और सीटेट जो आपका सिलेबस है उसमें हम बच्चे को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, ठीक है, बच्चे के खिलाफ कुछ कह नहीं सकते, बच्चे को कोई भी दंडात्मक कार्य नहीं करवा सकते हैं, होमवर्क नहीं दे सकते हैं, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? नहीं होता है ना, तो बस वही चीज़ें हैं साथी, परीक्षा नहीं होती है। बताइए बच्चे के, सीटेट ने कहा है इसके सिलेबस में कि हम परीक्षा ना ही वार्षिक परीक्षा लेंगे, ना अर्धवार्षिक परीक्षा लेंगे, ना ही छमाही, ना तिमाही, ना ही कुछ भी, कोई परीक्षा नहीं होती है। क्या रियल में ऐसा होता है? नहीं होता ना, बस यही चीज़ें आपको समझनी है। तो बेस्ट ऑप्शन देखिए, ये भी गलत हो गया, परीक्षा वर्ड आ गया ये भी गलत हो गया, गृह कार्य आ गया आपका गलत हो गया, होमवर्क भी नहीं देते हैं, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। बस यही चीज़ें हैं आपको समझनी है, बाकी अगर ये चीज़ आप समझ ले जाएंगे तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए साथियों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यह सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बता दीजिएगा, कमेंट्स भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। भगवान के आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।